नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। Q4 2022 के नंबर्स आने थे 25/5/2022 को, अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। Q4 2022 में क्या ग्रोथ आई है, क्या परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से सालाना। Q4 2022 के नंबर्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। 31/3/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो 30,046 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और एक साल पहले 24,510 करोड़ का था और Q3 में 25,990 करोड़ का था। तो सेल्स बड़ा है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 34,495 करोड़ का टोटल इनकम है। साल भर पहले 27,924 करोड़ का था और Q3 में 29,086 करोड़ का था। तो सालाना भी बढ़ के आया है टोटल इनकम और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ कर आया है टोटल इनकम। 34,495 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए 25,161 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है कोल इंडिया का Q4 2022 में और जो इनकम हुआ है 34,495 करोड़ का है टोटल इनकम। तो प्रॉफिट है कोल इंडिया को से और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 9,335 करोड़ का है दोस्तों। एक साल पहले 6,406 करोड़ का था, Q3 में 6,302 करोड़ का था। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 6,715 करोड़ का प्रॉफिट आया है कोल इंडिया को Q4 2022 में और एक साल पहले 4,588 करोड़ का था, Q3 में 4,556 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10.86 का है इस क्वार्टर में, साल भर पहले 7.44 का था और Q3 में 7.40 का था दोस्तों। तो Q4 के जो नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने, जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है। Q4 2022 के जो नंबर्स पेश किए हैं, जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, जोरदार नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं, बढ़िया नतीजे पेश किए हैं दोस्तों। टोटल इनकम 34,495 करोड़ सालाना बढ़ के आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। और प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए 6,715 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने, जबरदस्त प्रॉफिट आया है, टोटल इनकम भी बढ़ा है दोस्तों। Q4 के नतीजों के साथ कोल इंडिया ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ₹3 per equity share के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है कोल इंडिया ने। ₹3 per equity share, ₹3 per equity share के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है कोल इंडिया ने। तो आगे आने वाले दिनों में AGM होगा तो उसी के अनुसार डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। जिनके पास कोल इंडिया का स्टॉक है तो ₹3 per equity share के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। नतीजे जो पेश किए हैं Q4 2022 के, जोरदार नतीजे, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है Q4 2022 में और ग्रोथ आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और सालाना भी, और प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ आई है दोस्तों। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कोल इंडिया लिमिटेड का Q4 2022 में। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 180 के आसपास है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।